हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिटरमिनेंट का फर्स्ट एक्सरसाइज 4.1। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जान लें कि व्हाट इज डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट को हिंदी में सारणी कहते हैं प्यारे बच्चों। इसका परिभाषा है डिटरमिनेंट इज अ नंबर। डिटरमिनेंट एक नंबर है, मतलब एक संख्या है। डिटरमिनेंट इज ए नंबर और एन एक्सप्रेशन या कोई व्यंजक है एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स। यह स्क्वायर मैट्रिक्स से क्या है, एसोसिएटेड मतलब जुड़ा हुआ है या संबंधित है, ऐसा कहिए। इट इज जनरली डिनोटेड बाई डेल्टा डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसको भी मॉड ऑफ ए पढ़िए या डिटर्मिनेंट ऑफ ए पढ़िए, जैसा आपकी इच्छा पढ़ लीजिए। वेयर ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए। मतलब 2x2 ऑर्डर का हो सकता है, 3x3 ऑर्डर का हो सकता है, इस तरह से ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अब हम इस पर कुछ एग्जाम्पल पेश करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो दिमाग में रखिए डिटर्मिनेंट इज ए नंबर, मतलब हिंदी लिखना जरूरी नहीं है। डिटर्मिनेंट इज ए नंबर, डिटर्मिनेंट एक संख्या है और एन एक्सप्रेशन या फिर एक व्यंजक है। एसोसिएटेड का मतलब संबंधित होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब वर्गाव्यूह, मतलब वर्गाव्यूह से संबंधित एक संख्या डिटर्मिनेंट कहलाता है, सरणी कहलाता है। इसको आप चाहो तो डेल्टा से सूचित करो या फिर डी ई टी ए लिख दो या मॉड ए लिख दो, जैसे मर्जी कर लो। भेयर ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए, इस बात को पूरा फोकस करके रखिएगा। चलिए अब हम जैसे कर देते हैं। चलिए सबसे पहले एक स्क्वायर मैट्रिक्स आप ले लो स्टूडेंट्स, 3, 7, 8, 9, ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसमें आपका दो गो रो है और दो गो कॉलम है बुआ, तो ये 2x2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब जैसे ही हम इसमें मॉड लगाएंगे तो ये हमारा बन जाएगा ना स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट बन जाएगा। तो अब ये मैट्रिक्स नहीं रहा, अब यही डिटर्मिनेंट बन चुका है 3, 7, 8, 9। आप ध्यान दो स्टूडेंट्स कि इसमें ना सबसे पहले आपको ऐसे गुना करना है, यहाँ से इसको ऐसे गुना करना है, ध्यान देना है इनको। तो ये हो जाएगा 9 × 27, फिर माइनस का चिन्ह, ये ऑटोमेटिक देना ही है देना, ये माइनस रूल में है देना ही देना है, और 8 × 56, बस अब घटा लो और आपका आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट घटाइए, 27 में 56 घटाना है, कुछ भी आएगा तो माइनस में आएगा, बिकॉज छोटा संख्या में बड़ा संख्या घट रहा है। तो 16 में से 7 घट रहा है तो यहाँ 9 आ रहा है, 4 में से 2 घटा तो 2, 29 आ गया। ठीक है, -29। अब कहिएगा कि सर अगर 3x3 ऑर्डर का हुआ तो क्या करेंगे, 3x3 ऑर्डर का हुआ तो क्या करेंगे। चलिए उस पर भी हम लोग बात कर ही लेते हैं तो ठीक रहेगा। चलिए सेकेंड एग्जाम्पल हम पेश करते हैं आप लोगों के सामने। अगर बी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारे पास, 5, 3, 2, 4, 2, 1 एंड 5, 3, 2, ठीक है। चलिए अब हमें इसका वैल्यू ज्ञात करना है स्टूडेंट्स, इसका हमें मान निकालना है। तो अभी तक तो ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का तो कोई मान नहीं होता है जब तक इसको हम डिटर्मिनेंट ना बना दें। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, इस बी में मॉड लगा दीजिए। अब तो ये डिटर्मिनेंट बन गया है, अब तो ये हो गया आपका डिटर्मिनेंट, 5, 3, 2, 4, 2, 1 एंड 5, 3, 2, ठीक है। अब इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू हम 6 तरीका से निकाल सकते हैं, R1 से, R2 से, R3 से, C1 से, C2 से, C3 से, बट अभी हम आपको एक ही तरीका से निकाल कर बताएंगे और बाकी आप खुद ही निकालना सीख जाएंगे। चलिए तो आपको मैं एक नोट बता रहा हूँ,
प्लस माइनस प्लस, अगर आप आर वन से एक्सपेंड करते हो किसी भी डिटर्मिनेंट को तो ये प्लस माइनस प्लस ऑर्डर चलेगा, अगर आर टू से एक्सपेंड करते हो तो आपका ऑर्डर चलेगा माइनस प्लस माइनस, अगर आर थ्री से एक्सपेंड करते हो तो वही चलेगा प्लस माइनस प्लस, यही ऑर्डर चलेगा। तो स्टूडेंट्स इसको आप लोग अच्छे से दिमाग में रखिएगा, इसकी ज़रूरत आएगी। चलिए तो अब हम यहाँ पे आपको आर वन के अनुदिश, आर वन के अनुदिश आर वन के अनुदिश विस्तार करने पर, ठीक है स्टूडेंट्स, आर वन के अनुदिश विस्तार करने पर, अंग्रेजी में बोलेंगे एक्सपेंडिंग एलोंग आर वन, विस्तार करने पर। तो आर वन का मतलब ये है, यानी कि इसका इस्तेमाल करेंगे अभी हम लोग, हमारा ऑर्डर होगा प्लस माइनस प्लस। चलिए प्लस में पाँच लिखते हैं स्टूडेंट्स, पाँच लिख लिया, उसके बाद क्या करना है, पाँच का रो बंद कर देना है, पाँच का रो बंद कर देना है, यानी फर्स्ट रो को छुपा देना है एंड फर्स्ट कॉलम को छुपा देना है। पाँच कहाँ का सदस्य है, फर्स्ट रो का, फर्स्ट रो को ख़त्म कर दीजिए, और पाँच कहाँ का सदस्य है, फर्स्ट कॉलम का, इसको आप ख़त्म कर दीजिए। क्या क्या आपको दिख रहा है, दो एक तीन दो, बस फटाफट लिख लीजिए इसको, दो एक तीन दो। उसके बाद माइनस का चिन्ह आएगा तो दे दीजिए ना, माइनस का चिन्ह आएगा दो दे दीजिए, उसके बाद तीन लिख दीजिए एंड उसके बाद तीन का रो बंद कर दीजिए फर्स्ट रो, और तीन का कॉलम बंद कर दीजिए तो सेकंड कॉलम। आपके पास कौन कौन दिखाई दे रहा है, फोर वन फाइव टू, फोर वन फाइव टू, फोर वन फाइव टू, ठीक है स्टूडेंट्स। एंड उसके बाद फिर प्लस का चिन्ह आएगा, देख लीजिए यहाँ पे, तो आपने यहाँ प्लस लिखना है, टू लिखना है एंड दो का रो यानी फर्स्ट रो को हाइड करना है, छुपाना है एंड थर्ड कॉलम को हाइड करना है। अब आपके पास चार दो पाँच तीन बच रहा है, चार दो पाँच तीन, चलिए तो यहाँ पे लिखते हैं हम चार दो पाँच तीन। अब तो कहोगे सर ये तो दो बाई दो का डिटर्मिनेंट हो गया, जो अभी आपने यहाँ पढ़ा है दो बाई दो का डिटर्मिनेंट, देखिए कैसे निकाले, ठीक है। तो अब तो आप यहाँ से चाहो तो खुद कर सकते हो, बट मैं ही कर दे रहा हूँ अभी। पाँच के साथ आपका कौन आएगा, ये आएगा दो दुना का चार माइनस तीन एकम तीन, माइनस में तीन अपना जगह पे है एंड यहाँ चार दुनी का आठ आएगा एंड माइनस पाँच में एक से तो पाँच आएगा, प्लस में टू अपने जगह पे रहेगा एंड चार तिहाई का बारह माइनस पाँच दुना का दस रहेगा। अब क्या करोगे स्टूडेंट्स, चार में से तीन घटा एक, पाँच में एक से गुना होगा पाँच, पाँच गुना एक, माइनस में तीन, आठ में से पाँच घटेगा, आठ में से पाँच घटेगा तो तीन एंड प्लस में टू ये वाला एंड बारह में से दस घटेगा तो दो, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स अब थोड़ा सा काम और बच गया है, उसके बाद कहानी हो जाएगा ख़त्म। पाँच में एक से गुना करोगे तो पाँच, माइनस तीन तिहाई का नौ एंड प्लस दो दुना का चार, ठीक है। अब पाँच में चार जोड़ोगे तो नौ, माइनस फिर नौ, नौ में से नौ घटेगा तो क्या होगा स्टूडेंट्स, जीरो होगा। इस तरह से आप मान निकाल सकते हैं, इस तरह से आप मान निकाल सकते हैं। चलिए तो अभी आपने डिटर्मिनेंट के बारे में जाना कि डिटर्मिनेंट क्या होता है, तो डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स से संबंधित कोई संख्या या एक्सप्रेशन है, ये दो बाई दो में पॉसिबल है या फिर तीन बाई तीन में पॉसिबल है अभी सिलेबस के हिसाब से, तो ये दोनों आपको मैंने करके बताया। अब हम एक एक क्वेश्चन देखने वाले हैं 4.1 का, तो चलिए। हेलो स्टूडेंट्स, तो शुरू करते हैं डिटर्मिनेंट का फर्स्ट एक्सरसाइज 4.1। पहला क्वेश्चन है इवेलुएट
द डिटर्मिनेंट्स इन एक्सरसाइजेज 1 एंड 2। आपके पास किताब अवेलेबल होना चाहिए, थोड़ा सा किताब एमसीआरटी आप अपने पास में रखोगे स्टूडेंट्स। उसका फर्स्ट क्वेश्चन में आपका लिखा है 2, 4, -5, -1। अब बोल रहा है इसका वैल्यू निकालने के लिए। चलिए तो ये तो 2 बाई 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट्स है, इसको हल करना बहुत आसान काम है, बस इसको ऐसे गुना कर लेना है। पहले 2 में -1 से गुना करोगे। चलिए फिर माइनस का चिन्ह दोगे और -5 में -5 में -4 से गुना करोगे। ठीक है, चलो क्या आएगा स्टूडेंट्स, 2 में -1 से गुना करोगे तो -2 आएगा एंड ये तो माइनस अपने जगह पर रहेगा। अब -5 में +4 से गुना करोगे तो 5 को 20, ये -20 आएगा। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स आप क्या करोगे, ये तो -2 ही रहेगा और माइनस गुना माइनस तो ये तो प्लस हो जाता है 20। अब 20 प्लस में और 2 माइनस में, प्लस का संख्या ज़्यादा माइनस का संख्या कम, तो 20 में से 2 घटेगा स्टूडेंट्स तो आपका प्लस में 18 हो जाएगा। बस यही है आपका आंसर। तो बहुत आसान था फर्स्ट क्वेश्चन, ये तो आप अपने से भी बना ही लिए होंगे। चलिए अब हम 2 का फर्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, 2 का फर्स्ट। चलिए तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट है ना वो इस तरह से है। टू का जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है उसमें लिखा है कॉस थीटा -sin थीटा, सेकेंड रो में sin थीटा cos थीटा। ठीक है, sin थीटा cos थीटा। अब स्टूडेंट इसका मान निकालना है, बड़े आसानी से निकाल लो उसी तरह से। पहले तो इसमें इससे गुना कर लो, तो कॉस गुना कॉस क्या होता है स्टूडेंट्स, कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना, लिख दो और उसके बाद माइनस का चिन्ह दे दो। और साइन में साइन से गुना होगा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ एक और माइनस है तो माइनस माइनस एक ही बार प्लस कर दो ना, एक फॉर्मूला वाला माइनस और एक यहाँ का माइनस, दोनों माइनस मिलकर प्लस हो गया है। एंड साइन गुना साइन तो साइन स्क्वायर थीटा ही होगा, और आप 10th क्लास पास हैं इसीलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिखने में कोई आपत्ति नहीं है स्टूडेंट्स। चलिए तो 2 का आपका 1 बन गया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का हम 2 देखेंगे। यहाँ पे इसमें ने क्वेश्चन आपका कह रहा है, एक डिटर्मिनेंट दिया है स्टूडेंट्स, फर्स्ट रो में लिखा है x² -x + 1 एंड x - 1 नेक्स्ट एलिमेंट है, नीचे लिखा है x + 1 एंड फिर से x + 1। बस तो उसी तरह से पहले आपको ये वाला गुना करना है, अब माइनस देके ये वाला गुना करना है। तो चलिए हो जाए x + 1 से आपको गुना करना है बउआ x² - x + 1 में एंड बीच में माइनस का चिन्ह देना है, फिर x + 1 में x - 1 से आपको गुना करना है। चलिए तो बड़े प्यार से गुना कीजिएगा, x * x², ये x³ हो जाएगा, x में -x से तो -x² हो जाएगा, x से 1 में तो x हो जाएगा, 1 से x² में तो x² हो जाएगा, 1 से -x में तो -x हो जाएगा, और 1 से +1 में तो ये +1 हो जाएगा। ठीक है, एंड ये ब्रैकेट यहाँ पे बंद करते हैं, क्या है कि बीच में माइनस है। a + b * a - b, एक फार्मूला तो आप लोग पढ़े होंगे स्टूडेंट्स, a + b * a - b, ये सूत्र आप जरूर पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो ये आपकी गलती है, हम तो लिख ही देंगे
लेकिन आप पढ़े होंगे तो आपके लिए खुशी की बात है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ भी एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर और बी स्क्वायर वन का स्क्वायर, तो वन ही रह जाता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ माइनस एक्स है और ये प्लस एक्स है, ये तो कट जाएगा। यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर है, ये तो कट जाएगा। अब आपके पास बच क्या आ गया, एक्स के पावर तीन एंड ये प्लस वन, ये बच गया है। अब माइनस जैसे ही किसी ब्रैकेट में जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा एंड माइनस माइनस प्लस में वन हो जाएगा। अब आपका रिजल्ट क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, आपका रिजल्ट आ रहा है एक्स के पावर तीन एंड माइनस में एक्स स्क्वायर, एक के साथ एक को जोड़ दोगे तो दो हो जाएगा और यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सवाल नंबर तीन देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न कह रहा है इफ मैट्रिक्स ए बराबर फर्स्ट रो में एक दो सेकेंड रो में चार दो देन सो दैट 2a का डिटर्मिनांट बराबर 4 गुना a का डिटर्मिनांट, मतलब आपको 2a का डिटर्मिनांट निकालना है फिर a के डिटर्मिनांट में 4 से मल्टीप्लाई करना है, अगर दोनों रिजल्ट सेम टू सेम आ जाता है तो आपका सवाल प्रूफ हो जाएगा। चलिए तो करते हैं फटाफट, बहुत आसान और प्यारा सा क्वेश्चन है, सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले आप a का क्या करिए, डिटर्मिनांट ले लीजिए, ए का डिटर्मिनांट ले लीजिए, ये तो मैट्रिक्स ही है, इसमें मॉड लगाते ही ये डिटर्मिनांट बन जाएगा, तो ये हो गया आपका 1 2 4 2। चलिए अब इसको मान निकालना तो आपके लिए बहुत सरल कार्य हो गया है। पहले ऐसे गुना करते हैं, एक गुना दो मतलब दो एंड माइनस का चिन्ह देते हैं, चार गुना दो तो ये हो जाता है 8 एंड दो में से 8 घटता है रिजल्ट होता है माइनस में 6। क्या बात है, छोटा संख्या में बड़ा संख्या घटाएंगे तो माइनस जरूर लगाएंगे। ए का डिटर्मिनांट निकल गया, अब इसको 4 से गुना कर देते हैं। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको 4 से गुना कर देते हैं ताकि आपका RHS हो जाए, तो इसीलिए अब हम क्या कर रहे हैं RHS यानी राइट हैंड साइड जो क्या है 4 गुना ए का डिटर्मिनांट, तो 4 तो क्वेश्चन में दिया गया है और ए का डिटर्मिनांट तो माइनस में 6 आया है, तो प्लस माइनस माइनस 6 चौक 24, तो LHS RHS आपका हो गया माइनस में 24। अब आप LHS भी अगर इतना ही आ जाता है स्टूडेंट्स तो आपका काम क्लियर हो जाएगा। तो LHS में 2a का डिटर्मिनांट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि आपका क्वेश्चन में दिया है ए मैट्रिक्स जो दिया है स्टूडेंट्स वो इस कदर दिया है 1 2 इन द फर्स्ट रो 4 2 इन द सेकंड रो। अब इसीलिए हम 2a निकाल सकते हैं बड़े प्यार से, तो क्या करना होगा बोलिए, क्या करना होगा, प्रत्येक सदस्य को 2 से गुना कर दीजिए, 1 2 3 4 सदस्य में 2 से गुना कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा 2 2 दुना 4 4 2 8 एंड 2 2 4, ये आपका मैट्रिक्स 2a निकल गया। अब इसमें मॉड लगाते हैं ये आपका डिटर्मिनांट बन जाएगा, तो अब आपका RHS जो है स्टूडेंट्स, अब जो RHS है आपका वो क्या है, सॉरी RHS तो हो चुका है, LHS कहिए, यहाँ पे L कहिए LHS, तो आपका जो LHS है स्टूडेंट वो तो है आपका 2a का डिटर्मिनेंट, तो 2a का मैट्रिक्स आ चुका है, अब इसमें मॉड लगा दीजिए, अब आपका डिटर्मिनेंट बन जाएगा, तो 2 4 8 एंड 4, बस इसको सरल तो कर देना है, बड़ा आसान काम है भैया 4 2 का 8 माइनस 8 चौक 32 एंड जैसे ही आप 8 में से 32 घटाओगे तो कितना पाओगे, माइनस में 24 पाओगे कि नहीं पाओगे। अब आप देख लो आपका RHS भी यहाँ पे माइनस 24 आया था एंड आपका LHS भी आपको माइनस में 24 आ चुका है, इसीलिए आपका LHS बराबर RHS ये हो गया प्रूव्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी LHS क्या था तो 2a का डिटर्मिनांट एंड RHS क्या था 4 गुना a का डिटर्मिनांट, ये दोनों आपका सेम टू सेम आया, किसके बराबर तो माइनस 24 के बराबर, तो ये सवाल आपका फिनिश हो चुका है।
तो देखते हैं सवाल नंबर 4। कह रहा है कि इफ ए बराबर कोई मैट्रिक्स है जिसका फर्स्ट रो 101, सेकंड रो 012, थर्ड रो 004 है, देन सो दैट 3A का जो डिटर्मिनांट है ना वह 27 गुना ए के डिटर्मिनांट के बराबर होगा, ये प्रूफ करना है। तो चलिए हम स्टूडेंट सबसे पहले तो 3A निकाल लेते हैं। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं स्टूडेंट्स, 3A निकाल लेते हैं। चलिए तो 3A निकालना बहुत आसान है। क्या करना है, इन प्रत्येक एलिमेंट्स को आपको 3 से न मल्टीप्लाई कर देना है, गुना कर देना है। ए का वैल्यू पता है, 3A का वैल्यू पता करना है, तो क्या करना है ना कि ए के जितने भी सदस्य हैं उन सभी सदस्यों को आपको ना 3 से गुना कर देना है। चलिए तो फटाफट कर दीजिए 3 से गुना, बहुत आसान काम है। 3 में 1 से गुना हुआ 3, 3 में 0 से गुना हुआ 0, 3 में 1 से गुना हुआ 3, 3 में 0 से गुना हुआ 0, 3 में 1 से गुना हुआ 3, 3 दुना का 6 एंड 3 में 0 से गुना हुआ तो 0, 3 में 0 से गुना हुआ तो 0 एंड 3 चौका के 12। ये ना स्टूडेंट्स आपका 3A निकल गया। ठीक है, अब 3A का डिटर्मिनांट निकालना है। तो चलिए अब आप लोग क्या करिए, इसीलिए 3A का डिटर्मिनांट निकालते हैं स्टूडेंट्स। तो 3A का डिटर्मिनांट्स में क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ये मैट्रिक्स है, अभी अब ये डिटर्मिनांट बन गया है, थोड़ा सा चिन्ह का फर्क हो जाता है। 3, 0, 3, 0, 3 and 6, 0, 0, 12। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स इसको हम R1, R2, R3, C1, C2, C3 कहीं से भी एक्सपेंड करके इसका मान निकाल सकते हैं। लेकिन एक मज़े की बात मैं आपको बता दूं कि जिस रो या जिस कॉलम में सबसे ज़्यादा जीरो हो ना, आपको उसी रो या उसी कॉलम से डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल लेना चाहिए। इससे स्टूडेंट्स क्या होता है ना कि आपका ईजिली आंसर आ जाता है। तो आप देख सकते हैं कि 2 जीरो आपको C1 में मिल रहा है, 2 जीरो आपको कहाँ मिल रहा है, C1 में। चूँकि सभी लोग जानते हैं कि जीरो से कोई भी नंबर को गुना करते हैं तो वो जीरो हो जाता है, इसीलिए एक ही स्टेप करना होगा इसमें, अगर आप C1 से इसका वैल्यू निकालते हैं या R3 से इसका वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो हम फिलहाल आपको C1 से निकाल कर बताते हैं। चिन्ह तो आपको याद ही होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, जहाँ का सदस्य लिखते हैं वहाँ का चिन्ह भी देते हैं। तो ये प्लस का चिन्ह है, तो 3 यहाँ लिख देते हैं, C1 से विस्तार करने पर, C1 से विस्तार करने पर, C1 से विस्तार करने पर मतलब एक्सपेंडिंग अलोंग C1। तो आप लोग को क्या करना है, ये 3 लिख देना है और 3 का ना रो को ख़त्म कर देना है, इसको फर्स्ट रो को ख़त्म कर देना है एंड फर्स्ट कॉलम को ख़त्म कर देना है। आपके पास क्या क्या बच रहा है स्टूडेंट्स, देखिए तो गौर से क्या क्या बचा है आपके पास, 3, 6, 0, 12, यही तो बचा है 3, 6, 0, 12। इसको ना लिखना है यहाँ पे 3, 6 and 0, 12। अब तो ये बहुत ही आसान हो गया है, ये 3 अपने जगह पर रहेगा स्टूडेंट्स, और 12 तिहाई, पहले तो इसको गुना कर लेते हैं, 12 तिहाई का 36 माइनस 0 में 6 गुना होगा तो 0 ही होगा। अब 36 में 3 से गुना करोगे तो आपका 108 मिल जाएगा। तो ये ना आपका LHS हो गया स्टूडेंट्स, LHS हो गया। अब अगर यदि RHS भी इतना ही आ जाता है, देखिए आपका RHS क्या है, आपका RHS है, आपका RHS है 27 गुना A का डिटर्मिनांट। तो अब A का डिटर्मिनांट, इससे डिटर्मिनांट निकाल देंगे, वो A का डिटर्मिनांट हो जाएगा और उसमें 27 से गुना कर देंगे। तो नाउ A का जो डिटर्मिनांट होगा स्टूडेंट्स वह इस तरह से होगा 101, ठीक है, 101 एंड 012 एंड 004
004, देख रहे हैं ना। बस तो यहाँ पे लिख दीजिए आप 004। तो इसको भी C1 से निकाल देते हैं, तो यहाँ पे आप एक लिख दे रहे हो और एक के साथ आपका आ जाएगा, ये आपका फर्स्ट रो ख़त्म, ये आपका फर्स्ट कॉलम ख़त्म, 1204, 1204। तो ये कुल मिलाकर आपका जो वैल्यू आएगा, एक गुना चार तो चार, माइनस दो गुना जीरो तो जीरो, यानी कुल मिलाकर ये चार ही रह गया। अब हमको क्या करना है ना स्टूडेंट्स, हमको क्या करना है ना, 27 गुना ए का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो 27 का 27 रहेगा, ए का डिटर्मिनेंट अभी अभी आपने चार निकाला है, वैल्यू बैठा दीजिए, 27 चौका भी 108 होता है। तो ये आपका RHS हो गया। तो देखिए LHS भी 108 आया था, RHS भी 108 आ गया। तो अब आप लिख दीजिए, इसीलिए जितना 3A का डिटर्मिनेंट आया है उतना ही आपको 27 गुना ए का डिटर्मिनेंट आया है, ये हो गया आपका प्रूफ। ठीक है, चलिए थैंक यू। पाँच का फर्स्ट, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू ज्ञात करना है। देखिए सबसे ज़्यादा जीरो आपको कहाँ मिल जाएगा, R2 में। तो हम ना इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर R2 के हेल्प से निकाले, सेकेंड रो के हिसाब से निकाले, तो आपको ना इजीली आंसर मिल जाएगा। तो जरा चिन्ह में याद दिला दूं आपको, प्लस माइनस प्लस फर्स्ट रो के लिए, माइनस प्लस माइनस सेकेंड रो के लिए, एंड प्लस माइनस प्लस थर्ड रो के लिए। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी ना हम लोग सेकेंड रो का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ चिन्ह है माइनस प्लस माइनस, तो जहाँ का सदस्य हम लोग लिखेंगे वहाँ का चिन्ह माइनस है, तो एक माइनस यहाँ, एक माइनस यहाँ। तो यहाँ पे लिखते हैं R2 से विस्तार करने पर, R2 से विस्तार करने पर। अगर कोई आपसे पूछता है कि R2 से क्यों विस्तार किया जा रहा है, तो बोलिएगा सबसे सुविधा है R2 से विस्तार करने पर, कहीं से भी आंसर तो बराबर ही आने वाला है। तो जहाँ से सुविधा होगा स्टूडेंट्स वहाँ से हम लोग निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे। तो R2 में ना सबसे ज़्यादा जीरो है, दो जीरो है। ठीक है, तीन जीरो होता तब तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू ही जीरो हो जाता। तो ये माइनस एक यहाँ का सदस्य है और माइनस यहाँ का चिन्ह है, तो माइनस गुना माइनस आपका हो गया ना प्लस। अब हमको क्या करना है, माइनस एक के कॉलम को ख़त्म करना है और माइनस एक के रो को ख़त्म करना है। चलो, तो ये रो और कॉलम को ख़त्म करने पर आपके पास ना बच रहा है 3-1, 3-5। तीन माइनस एक एंड 3-5। अब इसको आराम से सरल कर लेंगे हम लोग। ये एक लिख दीजिए, 3 × 5 = 15 माइनस में, एंड माइनस गुना माइनस प्लस 3 × 3। तो यहाँ पर 3 में से आपका 15 घट गया है, तो माइनस में 12 हो गया है। माइनस में 12 में 1 से गुना होगा तो -12। देखिए कितना आसानी से आपका आंसर निकल गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, 5 का 2। ठीक है, तो चलिए 5 का 2 देखते हैं। अभी 5 का 2 में आपका कह रहा है डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन दे रखा है आपका इस तरह से, 3-4 = 5, 3-4 = 5, 1-1 - 2, 1-1 - 2, 2-3-1। ठीक है, 2-3-1। अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ तो जीरो वाला सुविधा है नहीं, तो आप R1 से निकाल दो सबसे अच्छा। R1 से इसका वैल्यू निकाल दो, R1 का चिन्ह आपको अभी अभी दिखाया गया है यहाँ पर, R1 का चिन्ह होता है ये, प्लस माइनस प्लस ये ऑर्डर चलता है। तो चलिए हम लोग अभी R1 से विस्तार करने पर, R1 से विस्तार करने पर, ठीक है स्टूडेंट्स,
तो चलिए सबसे पहले प्लस में तीन लिखते हैं यहाँ पे, और ये तीन कहाँ का सदस्य है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो को भी हाइड करते हैं, फर्स्ट कॉलम को भी हाइड करते हैं। हाइड मीन्स छुपाना होता है, छुपा दीजिए। नुक्का छिपी तो आप लोग बचपन से खेल रहे हैं, देखिए इसको हाइड कर देना है। अब वन माइनस टू बचा हुआ है, तीन एक बचा हुआ है, वन माइनस टू बचा हुआ है, वन माइनस टू बचा हुआ है, थ्री एक बचा हुआ है, फिर माइनस का चिन्ह होता है और यहाँ भी माइनस है, तो दोनों माइनस मिलकर प्लस बन गया है। यहाँ पे चार लिख देना है, एंड चार का रो और चार का कॉलम, चार फर्स्ट रो में है तो इसको हाइड करते हैं, सेकंड कॉलम में है तो इसको हाइड करते हैं, हाइड कर दिए, छुपा दिए, तो बच गया वन माइनस टू टू वन, वन माइनस टू वन माइनस टू एंड टू वन, यही तो बच रहा है, तो इसको लिखते हैं। उसके बाद प्लस माइनस फिर प्लस, और यहाँ पे पाँच लिखते हैं, फर्स्ट रो से चल रहे हैं तो फर्स्ट रो को हाइड करते हैं, थर्ड कॉलम को हाइड करते हैं, वन वन टू थ्री, वन 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 टू थ्री, ये हो गया आपका, ठीक है। चलिए तो ये हो गया आपका, तो तीन यहाँ पे लिखते हैं, एंड एक में एक से गुना होगा तो एक, एंड ये माइनस माइनस प्लस, तीन दुनी का छः, प्लस में चार, एक में एक से गुना होगा तो एक, एंड माइनस माइनस प्लस, दो दुना का चार, प्लस में पाँच लिखते हैं, एंड एक में तीन से गुना हुआ तो तीन, एंड माइनस दो में एक से गुना हुआ तो दो, दो होगा, ठीक है। अब तीन अपने जगह पर, एक में छः जोड़ोगे तो सात होगा, प्लस में चार अपने जगह पर, एक में चार जोड़ोगे तो पाँच होगा, एंड प्लस में पाँच, एंड तीन में से दो घटाओगे तो एक होगा। आगे तीन सते का इक्कीस होगा, एंड चार पचे का बीस होगा, एंड पाँच एकम पाँच होगा, बीस पाँच पच्चीस और इक्कीस जोड़ दीजिए, कितना होगा, बीस और बीस चालीस और एक इकतालीस और पाँच छियालीस, 46 हो गया आंसर, ठीक से जोड़ लीजिए, कहीं हम लोग गलती जोड़ ले तो आप सही से जोड़ लीजिएगा। देखिए 20 और 20 40 और 1 41, 41 में 5 जोड़िएगा तो 46, तकरीबन ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, 5 का 3 में स्वागत है आप लोगों का। यहाँ पे डिटरमिनेंट गिवन है, फर्स्ट रो में 0 1 2, सेकंड रो में माइनस 1 0 माइनस 3, एंड थर्ड रो में माइनस 2 3 एंड 0, ठीक है। तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू हम लोगों को ज्ञात करना है। चलिए हम R1 से इसको एक्सपेंड करके आपको बताते हैं। इसका वैल्यू हम आपको कहाँ से निकाल कर बताएंगे स्टूडेंट्स, R1 से। चलिए तो मैं लिखता हूँ एक्सपेंडिंग एलोंग R1, क्या लिखना पड़ेगा स्टूडेंट्स, एक्सपेंडिंग एलोंग R1। चलिए आपको चिन्ह याद ही होगा, बार बार हम लिख दे रहे हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एंड प्लस माइनस प्लस। तो अभी हम लोग इसको फॉलो करने वाले हैं, फर्स्ट रो का चिन्ह है ये, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे जीरो लिखने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि पहला स्टेप तो आपका ख़त्म हो गया, क्योंकि जीरो में कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करिएगा तो आपको जीरो ही मिलेगा, तो फर्स्ट स्टेप क्लियर। चलिए सेकंड में माइनस है, तो माइनस में आप एक लिख दीजिए, यहाँ पे माइनस में एक लिख दीजिए, एंड इसके साथ क्या करना है, फर्स्ट रो को छुपा देना है एंड सेकेंड कॉलम को छुपा देना है स्टूडेंट्स। आपका क्या बच रहा है, माइनस एक माइनस तीन, ठीक है, क्या बच रहा है, माइनस एक माइनस तीन, एंड क्या बच रहा है, माइनस दो जीरो। तो यहां पे लिख दीजिए आप माइनस दो और जीरो, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद आपको क्या करना है, रूल के मुताबिक यहां पे प्लस का चिन्ह है ना, तो आप यहाँ से इसको हटाते हैं, प्लस का चिन्ह देते हैं, एंड वहाँ का एलिमेंट है दो, तो दो लिखते हैं, एंड इसके साथ फर्स्ट रो ख़त्म कर दीजिए और थर्ड वाला कॉलम ख़त्म कर दीजिए। आपके पास बच गया है क्या क्या,
आपके पास बच गया है स्टूडेंट्स माइनस वन जीरो, ठीक है, आपके पास बच गया है माइनस वन और जीरो, एंड बच गया है माइनस दो तीन। बस अब इसको सरल कर दीजिए, बहुत आसान है ये एक्सरसाइज, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे माइनस एक ही रहेगा एंड माइनस एक में जीरो से गुना होगा, माइनस एक में जीरो से तो यहाँ जीरो होगा और फिर माइनस का चिन्ह आएगा और माइनस माइनस प्लस, तीन दुना का छः हो जाएगा, प्लस टू अपने जगह पर, एंड तीन में माइनस एक से गुना होगा तो माइनस तीन माइनस, एंड यहाँ पे तो जीरो में माइनस टू से गुना हुआ, सब जीरो हो गया ये। चलिए अब बहुत आंसर के करीब है हम लोग, माइनस एक में माइनस छः से गुना करेंगे तो प्लस में छः हो जाएगा, माइनस एक में माइनस छः से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस छः, और प्लस दो में माइनस तीन से गुना करेंगे तो भी माइनस में छः आ जाएगा, एंड छः में से छः घटेगा स्टूडेंट्स तब तो जीरो हो जाएगा। चलिए तो ये ख़त्म हो गया आपका। सवाल नंबर पाँच का एक फोर भी है तो उसको भी हम लोग देखेंगे अभी, पाँच का फोर। चलिए तो पाँच का फोर में आपका है स्टूडेंट्स, फर्स्ट रो में दो दो माइनस एक एंड माइनस में दो, किताब आपके पास भी होना चाहिए। सेकंड रो में है जीरो टू एंड माइनस में वन, एंड थर्ड रो में है स्टूडेंट्स आपका थ्री माइनस फाइव एंड जीरो, ठीक है। चलिए इस डिटर्मिनेंट का हम लोगों को वैल्यू ज्ञात करना है, चलिए फटाफट करते हैं। इसको हम लोग कहाँ से निकाले, सेकंड रो से निकालते हैं, इसमें एक जीरो है, इसका वैल्यू हम लोग आर टू से निकालेंगे। कहिएगा सर कभी आर वन से निकालते हो कभी आर टू से निकालते हो, देखो स्टूडेंट्स कारण ये है, यहाँ पे जीरो हमको आर वन में एक मिला था इसीलिए आर वन से निकाले थे, यहाँ आर टू में एक जीरो मिल रहा है, ऐसे तो आर थ्री में भी एक मिल रहा है, तो जहाँ से सुविधा होगा ना वहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो चलिए आर टू से निकालते हैं, तो आर टू का चिन्ह आपको मैं यहाँ पे लिख दूँ माइनस प्लस माइनस, ये आर टू का चिन्ह है, ठीक है, आर टू में इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे लिखिए एक्सपेंडिंग अलोंग आर टू, एक्सपेंडिंग अलोंग, एक्सपेंडिंग अलोंग आर टू, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आर टू का पहला स्टेप तो ये जीरो है तो ख़त्म हो गया, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ बीच में पहुँचेंगे, तो यहाँ का चिन्ह प्लस है तो आप दो प्लस में लिख दीजिए, एंड इसके साथ एक छोटा डिटर्मिनेंट आएगा, तो आपको क्या करना है, सेकंड रो को ख़त्म करना है, छुपा देना है, एंड सेकंड कॉलम को ख़त्म कर देना है, तो चारों कॉर्नर वाला बच जाएगा, ठीक है। तो बचेगा टू माइनस टू थ्री एंड जीरो, ठीक है। चलिए उसके बाद माइनस का चिन्ह है और यहाँ भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप एक लिख देते हो, इसके साथ एक छोटा सा डिटर्मिनेंट आ जाएगा, तो इसको आप ख़त्म कर दीजिए, सेकंड रो को ख़त्म कर दीजिए एंड थर्ड वाला कॉलम को ख़त्म कर दीजिए, ठीक है। तो आपके पास बच रहा है टू माइनस वन थ्री माइनस फाइव, टू माइनस वन एंड थ्री माइनस फाइव। चलिए अब इसको सॉल्व कर लीजिए जल्दी जल्दी, तुरंत आंसर आने वाला है। टू अपने जगह पर रहेगा, अब दो में आप जीरो से गुना करोगे तो जीरो मिलेगा एंड माइनस का चिन्ह, यहाँ एक और माइनस है तो तीन दुना का छः प्लस में हो जाएगा, एंड एक अपने जगह पर रहेगा, एंड दो पचे दस माइनस में, एंड ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, थ्री वन जा थ्री। चलिए फटाफट करते हैं, छः गुना दो बारह हुआ स्टूडेंट्स, एंड प्लस में वन इंटू तीन में से दस घट रहा है तो यहाँ पे माइनस में आपका सात आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब क्या कुछ बचा तो नहीं इस क्वेश्चन में, बारह एक में माइनस सात से गुना होगा तो माइनस सात, अब बारह में सात घट गया तो पाँच, यही आंसर हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स है, इफ मैट्रिक्स ए बराबर फर्स्ट रो में वन वन माइनस टू, सेकेंड रो में टू वन माइनस थ्री,
थर्ड रो में 5, 4, -9 ये दिया गया है, गिवेन है। फाइंड डिटर्मिनांट ऑफ ए, मतलब ये मैट्रिक्स दिया हुआ है और इसका कोरिस्पोंडिंग डिटर्मिनांट हम लोगों को फाइंड करना है। तो आप लोगों को बताया गया है एक्सरसाइज के शुरुआत में कि डिटर्मिनांट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स। डिटर्मिनांट एक नंबर बन जाता है लेकिन यह नंबर स्क्वायर मैट्रिक्स से ही संबंधित होता है। तो देख लीजिए इसमें 3 रो है एंड 3 कॉलम्स है, इसलिए ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स तो है। अब इससे जो डिटर्मिनेंट बनेगा उसको हम लोग फाइंड करने चले हैं। तो चलिए इसका सोल्यूशन आपको मैं करके दिखा रहा हूँ, चलिए देखेंगे। जैसे इसमें मॉड लगाएंगे तो ये अब मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट बन चुका है। तो थोड़ा सा चिन्ह में फर्क होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे 1, 1, -2 लिखेंगे हम, संख्या तो वही रहेगा 1, 1, -2, थोड़ा सा संकेत जो है उसमें फर्क आ जाता है। यहाँ पे कॉर्नर पे ये मुड़ा हुआ है, ये नहीं मुड़ेगा, ठीक है। ये मुड़ गया तो मैट्रिक्स, ना मुड़ा तो डिटर्मिनेंट है ना स्टूडेंट्स, मज़ा आ रहा है ना। 2 and 1, -3 अंक तो सब वही रहेगा, 5, 4, 5, 4, -9 ये सब क्वेश्चन तो आप लोग जितना कुछ अभी तक मैंने बताया है आप खुद से कर सकते हो। चलो फर्स्ट रो में इसको एक्सपेंड करेंगे, प्लस माइनस प्लस, ये आपका रूल है कहाँ का स्टूडेंट्स, आर वन का। तो मैं लिख रहा हूँ आर वन के अनुदिश, आर वन के अनुदिश विस्तार करने पर, ठीक है स्टूडेंट्स, आर वन के अनुदिश विस्तार करने पर। कभी अंग्रेजी में लिख दूंगा, कभी हिंदी में लिख दूंगा, घबराना मत, तभी तो आदत लग जाएगा। इसी को अंग्रेजी में बोलेंगे एक्सपेंडिंग एलोंग आर वन। तो आपको तो अंग्रेजी हिंदी दोनों सिखाना है ना मुझे चलिए तो प्लस में आप 1 लिख दीजिए, प्लस देने की ज़रूरत नहीं है, 1 हो गया। अब क्या करेंगे, फर्स्ट रो खत्म करेंगे, फर्स्ट कॉलम खत्म करेंगे, 1, -3, अब तो इसका अभ्यास हो गया होगा, 1, -3, 4, -9, ठीक है स्टूडेंट्स, 4, -9, फिर माइनस का चिन्ह होता है तो माइनस में 1 लिख दीजिए, यहाँ माइनस में 1 लिख दीजिए, और इसके साथ क्या करिएगा, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम ख़त्म कर दीजिए, 2, -3, 2, -3, ये माइनस है, एंड 5, -9, 5, 5, -9। गर्मी आ गया है, मच्छर भी परेशान कर रहा है भैया, फिर भी वीडियो बनाना है। चलिए उसके बाद प्लस का चिन्ह है लेकिन हम तो माइनस का चिन्ह देंगे क्योंकि प्लस माइनस में टकराव होता है तो माइनस ही जीतता है। 2 लिखिए एंड 2 के साथ स्टूडेंट्स फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को ख़त्म कर देंगे तो 2, 1 बच रहा है, 2, 1 and 5, 4, ठीक है 5, 4 बस। अब तो एकदम से आसान हो गया, ये 1 ही रहेगा, ये 1 में -9 से गुना करोगे, ये माइनस का 9 है तो माइनस में 9 मिलेगा बउआ, और फार्मूला वाला माइनस और यहाँ वाला माइनस दोनों मिलकर के माइनस माइनस प्लस, 4 तिहाई 12, -1 यहाँ से लिख दिए और 2 में -9 से तो 9 दुनी का 18 माइनस में, एंड माइनस माइनस प्लस 5 तिहाई 15, ठीक है स्टूडेंट्स, एंड माइनस का 2 अपना स्थान पकड़े हुए है और 2 चौके 8 -5 एकम 5। चलिए अब थोड़ा सा खसकाते जाइए, 1 अपने जगह पर, 12 में से 9 घटेगा भैया तो प्लस में 3 होगा, -1 अपने जगह पर, अब 15 में से जब 18 घटेगा स्टूडेंट्स तो आपका माइनस में 3 बचेगा, माइनस में 2 अपने जगह पर, 8 में से 5 घटेगा तो प्लस में 3 आएगा। फटाफट सरल कर लीजिए, 1 × 3 3 ही होगा, एंड माइनस माइनस प्लस तो 3 एकम 3 ही होगा, एंड -2 × 3 तो 6 होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या करोगे, 3 जोड़ 3 तो 6 होगा, एंड माइनस में 6 होगा, और 6 में से 6 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 0, तो इसका आंसर भी 0 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। अब 7 नंबर सवाल में आ जाइए आप लोग, यहाँ पे कहता है कि फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स इफ
इतना इक्वल इतना, मतलब दो डिटर्मिनेंट आपस में इक्वल है और हमें एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, ज्ञात करना है। चलिए, तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव में बार बार ये क्वेश्चन पूछता भी है। तो कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले तो दो में एक से गुणा कर लीजिए आप, दो मिल जाएगा, माइनस का तीन, पाँच चौक बीस मिल जाएगा, एंड बराबर के बाद 2x में x से गुना कर लीजिए तो 2x स्क्वायर मिल जाएगा, माइनस 6 चौक 24 मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आप क्या करोगे, जब आप 2 में से 20 घटाएंगे तो माइनस में आपको 18 मिलेगा, मिलेगा कि नहीं। अब माइनस 24 जो बराबर के बाद है पहले लाएंगे तो प्लस में 24 ही तो होगा, बराबर के बाद आपका 2x स्क्वायर ये वाला रह गया, एंड 24 है प्लस में 18 है माइनस में, क्या होगा सोचिए, सोचिए क्या होगा स्टूडेंट्स 24 है प्लस में 18 है माइनस में, जोड़िएगा घटाइएगा क्या करिएगा, ये सब प्लस माइनस में बच्चा फंसता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, 24 में 18 घटेगा, 4 इधर 2 इधर 6 बच जाएगा, तो यहाँ पे आप 6 लिख दो, बराबर के बाद तो 2x स्क्वायर है ही है। अब स्टूडेंट्स दो तिहाई का 6 कट जाएगा, कट जाएगा ना, तो स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस रूट लग जाएगा, इसीलिए आपका x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 3, तो यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, 7 का 2। यहां भी उसी तरह क्वेश्चन है, एक डिटर्मिनेंट यहाँ है, दूसरा डिटर्मिनेंट यहाँ है, दोनों डिटर्मिनेंट आपस में इक्वल है, हम लोगों को एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। चलिए तो उसी तरह से बना लेते हैं, पहले 2 × 5 = 10 लिख दीजिए, माइनस का चिन्ह, 4 × 3 = 12 इक्वल टू 5 में एक्स गुना करिएगा तो 5x, माइनस 3 × 6 = 6x। चलिए अब क्या करना है, घटाइए 10 में से 12 घटाइएगा तो माइनस में 2 मिलेगा। ठीक है, छोटा संख्या में बड़ा संख्या घटता है तो माइनस में आंसर होता है। अब 5 × x में 6 × x घटाएंगे तो माइनस में 1 × x होगा। अब दोनों साइड में माइनस है तो माइनस माइनस कट जाएगा। अब आपका x का वैल्यू तो बच रहा है कितना, x का वैल्यू 2 बच रहा है, तो हो गया इसका आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, तो एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव है, बार बार पूछता है, इफ एक्स टू 18x इक्वल 6 × 18 = 6, दो डिटर्मिनेंट आपस में इक्वल बता रहे हैं, देन एक्स इज इक्वल टू, क्वेश्चन ने कहा है देन एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, व्हाट, इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं उसके बाद देखेंगे कि हमको क्या आंसर आ रहा है ना। पहले तो इस तरह से गुणा करते हैं, यहाँ पे एक्स गुना एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 18 × 2 = 36 इक्वल टू, उसी तरह से यहाँ 6 × 6 = 36 माइनस 18 × 2 = 36। यहाँ पे आपका स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 36 में 36 घटेगा तो 0। ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये माइनस 36 बराबर के बाद जाएगा तो 0 पहले से है और माइनस 36 उधर में जाकर प्लस 36 हो जाएगा। इस तरह से आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू ने स्टूडेंट्स 0 में 36 जोड़ोगे तो 36 ही रहेगा। अब यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो प्लस माइनस का भी चिन्ह लगेगा, अंडर रूट भी आएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस तो रहेगा ही, 36 को आप लिख सकते हो ना 6 × 6। अब स्क्वायर रूट तो आप 8 क्लास में ही पढ़ लिए थे, वर्गमूल, दो के पेयर में एक को क्या करते हैं बाहर करते हैं, तो प्लस माइनस 6 आ गया। तो ऐसा ऑप्शन 8 का B में लिखता है, तो इसीलिए आपका सही आंसर है प्यारे बच्चों 8 का B। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो, मेरा लेक्चर बहुत अच्छा लगता होगा, तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि आप लोग वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए ताकि
सभी बच्चे हमारे वीडियो से लाभ उठा सके। हम साफ सुथरा मैथ्स बनाते हैं और साफ सुथरा बात बतियाते हैं, ठीक है। मेरा लैंग्वेज कोई घिसा पीटा नहीं मिलेगा, बिल्कुल साफ सुथरा आवाज़ मिलेगा आपको और लिखावट भी आपको उतना ही सुंदर मिलेगा। ऐसे तो प्रशंसा नहीं करना चाहिए अपने लिखावट का या अपने लेक्चर का, लेकिन चलिए फिर भी बोल दे रहा है ना, क्योंकि मैंने बहुत सा वीडियो देखा है। शिकायत किसी का नहीं करता हूँ, लेकिन मैंने कोशिश की कि आपको कुछ खास मिले मेरे वीडियो में, तो मैं लिखावट का भी उतना ही ध्यान रखता हूँ और लैंग्वेज का भी पूरा ख्याल रखता हूँ। तो जल्दी से जल्दी अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं इस चैनल को, तो प्लीज़ इंटेलिजेंट मैथमेटिक्स क्लासेस को अपना सपोर्ट दें, अपना प्यार दें। गुड नाइट, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।